नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1 और उसमें गद्यखंड का 6 अध्याय हरिशंकर प्रसाई जी का लिखा हुआ प्रेमचंद के फटे जूते, तो हम अध्ययन कर रहे थे इसमें कि किस प्रकार से लेखक जो है प्रेमचंद जी की तस्वीर को देखता है जो कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में खिंचवाई हुई है, और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं उनका वर्णन करता है। फिर जब वो पैरों की तरफ देखता है तो पैरों में जो पहना हुआ जूता है बाएं पैर का वह फटा हुआ है और उसमें से पैर की उंगली निकली हुई दिखाई देती है। तो लेखक कहता है कि देखिए किस प्रकार से जो प्रेमचंद जी जो हैं एक बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन फिर भी उनमें किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, बाहरी दिखावा नहीं है। तो हर प्रकार से जो दिखावटीपन के विरोधी हैं प्रेमचंद जी, तो ऐसा उसमें लक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो लेखक कहता है कि क्या आपको किसी प्रकार की कोई झेप या संकोच नहीं है कि आपकी जो उंगली वो दिख रही है? क्या आप नहीं जानते कि आप धोती को अगर थोड़ा नीचे कर लेते तो भी वह जो उंगली ढकी जा सकती थी, लेकिन आप बड़े बेपरवाह हैं और न जाने कैसा बड़ा विश्वास है आपके मन में कि आप जो है फिर भी मुस्कुरा रही हैं। फोटोग्राफर ने आपको रेडी प्लीज के लिए कहा और परंपरा के अनुसार आप मुस्कुरा दिए, तो आपका जो दर्द है गहरे तल के कुएं में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच रहा है, और जैसे ही आपकी जो मुस्कान है थोड़ी ऊपर आती है तो इतने में ही फोटोग्राफर क्लिक कर देता है और थैंक यू कहता है। लेखक कहते हैं कि आपकी यह जो मुस्कान है वह बहुत जो विचित्र है और इसमें उपहास है और व्यंग्य है, यानी कि आप किसके ऊपर हंस रहे हैं कि आपको जो देखने वाले हैं जो आपकी हंसी मजाक कर रहे हैं तो आप क्या उन पर हंस रहे हैं, या जो दिखावटीपन जो व्यतीत कर रहे हैं तो आप उन पर हंस रहे हैं? तो ऐसा इसमें भाग 1 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 के अंतर्गत कि लेखक जो है किस प्रकार से अपनी जो भावनाएं हैं उनको आगे देख रहा है, किस प्रकार से जो प्रेमचंद जी के भाव हैं उनको प्रकट करने का प्रयास करता है लेखक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लेखक कहते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो देखिए लेखक कहते हैं कि खुद ने तो फटे हुए जूते पहन रखे हैं, न जाने वो किस पर हंस रहा है। ये कैसा आदमी है जिसको किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, शंका नहीं है, है ना, कि कोई इसके फटे हुए जूते को देखेगा और उस पर हंसी करेगा, लेकिन यह तो स्वयं ही हंस रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। और देखिए लेखक के मन में विचार आ रहा है कि अगर फ़ोटो खिंचवाना ही था तो ठीक से जूते पहन लेते, बढ़िया जूते पहन लेते, या फिर ना ही खिंचवाते फ़ोटो। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, कि फ़ोटो नहीं खिंचवाते तो क्या हो जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अब हो सकता है कि लेखक कह रहे हैं कि शायद पत्नी ने आग्रह किया और तुमने आपने कहा कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कैसी बड़ी ट्रेजडी है। अब ट्रेजडी जो अंग्रेजी का शब्द है, ट्रेजडी का मतलब दुर्घटना कह सकते अपनी, कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो, कि कैसी ये विडम्बना है कि आदमी के पास में फ़ोटो खिंचवाने तक के लिए जूता नहीं है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। अब देखिए लेखक कहता है, लेखक के मन में जो भाव आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जब यह फ़ोटो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि फ़ोटो को देखते देखते तुम्हारा जो क्लेश है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको अपने भीतर महसूस करूँ और रो पड़ूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी जो आँखें हैं उनमें जो भरा हुआ व्यंग्य है कि किस प्रकार से वो बाहरी दिखावा जो है उसका विरोध करने वाले हैं, तो जो आपकी आँखों में जो भरा हुआ दर्द भरा व्यंग्य है वो मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। अब लेखक कहता है कि आपको फ़ोटो का महत्व पता नहीं है। अगर फ़ोटो के महत्व को समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते,
लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसमें व्यंग्य किया गया है लेखक के द्वारा भी, कि लोग तो मांगे हो कोट पहना कर ना वर भी दिखा देते हैं, यानी कि दूल्हे को भी दिखा देते हैं कि ये बहुत सुंदर है ना, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और मांग कर ही जो मोटर हैं जो गाड़ियाँ हैं वे उससे बारात भी ले जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती हैं। और देखिए इसमें किस प्रकार से व्यंग्यवान जो है हरिशंकर प्रसाई जी कर रहे हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवानी तो पड़ोस में किसी की बीवी है, पत्नी है, तो उसको ही मांग लेते हैं कि एक बार फ़ोटो खिंचवानी है ना। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अब इत्र चुपड़ कर मतलब कि हर प्रकार से बन ठन कर जो है सज धज संवर कर फ़ोटो खिंचवाते हैं कि जैसे जिससे कि उसके अंदर भी उसकी खुशबू आ जाएगी, अर्थात उसकी जो सुंदरता है वो छाई रहेगी। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अरे गंदे से गंदा आदमी भी है ना, वो जब फ़ोटो खिंचवाता है तो अच्छी तरह सज संवर कर बैठता है और वो फ़ोटो खिंचवाता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में कहाँ मिलते होंगे। अब लेखक जो है प्रेमचंद जी की तस्वीर को देख रहा है और कह रहा है कि उस समय 8 आने में टोपी मिल जाती थी और जूते जो उस ज़माने में 5 रुपये से कम तो क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब देखिए जो जूते हैं ना वो टोपी से हमेशा कीमती रही हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। अब देखिए जूते पर किस प्रकार से, अब हरिशंकर प्रसाई जी जो है ना, जब इन्होंने ये लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, तो 1947 में लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो चापलूस लोग हैं वे न जाने कितने ही किसी के चरणों के सामने जो अपने जो टोपियां हैं अर्थात सिरों को झुका देते हैं, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हैं। अब लेखक कहते हैं कि तुम भी जूते और जो टोपी है ना उसका अनुपातिक मूल्य, यानी कि उसका मूल्य ज़्यादा है, तो इसके मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। अब ऐसी विडंबना है कि तुम्हारे पास में जूते नहीं हैं और ये जो बात है पहले मुझे नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ कि जब मैं आपका फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी बात अखर रही है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब देखिए लेखक कहता है कि आप कितनी अधिक महान हस्ती थी लेकिन फिर भी आपके जो पैरों में पहना हुआ जूता है वो फटा हुआ है, तो ये कैसी विडंबना है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक तुलना कर रहे हैं अपने जूते के साथ में, कहता है कि मेरा जूता कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब देखिए विपन्नावस्था लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो जूता है वो फटा हुआ है लेकिन ऊपर से उसके अंदर से उंगली नहीं दिखती बल्कि अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। अब देखिए लेखक कहता है कि अंगूठा ज़मीन से घिसता है, अब अंगूठे के पास से फटा हुआ ना जूता, नीचे ऊपर नहीं फटा हुआ, ऊपर से तो दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास में सब कुछ है, बाहरी आडंबर का इसमें वर्णन कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर जो खोखलापन है उसका वर्णन भी कर रहे हैं लेखक। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। अब देखिए लेखक किस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि अंदर ही अंदर हम चाहे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, हमारी कोई हस्ती नहीं रही लेकिन ऊपर से तो हमारा जो बाहरी दिखावा बना रहता है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। अब देखिए किस प्रकार से लेखक इसके माध्यम से कहता है कि तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं, यानी कि तुम्हारे जो मूल्य हैं जो संस्कार हैं वे अभी भी तुम्हारे पास सुरक्षित हैं और मेरी अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है, लेकिन मेरे जो मूल्य हैं जो वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते पर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से लेखक कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, पर्दे का महत्व कि अगर कोई कमजोरी है तुम उसे छिपाते नहीं हो लेकिन हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है ना तो हम उसको छुपाने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन आप जो अपनी कमी है उसको सभी के सामने लाने का प्रयास करते हो। तो तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो
मैं ऐसे नहीं पहन सकता। अब लेखक कहता है कि तुमने तो ये फटा हुआ जूता बड़े ठाठ से बड़े आराम से पहन रखा है, लेकिन मैं इसे नहीं पहन सकता। अब क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि मैं जो है बाहरी जो दिखावेपूर्ण जो ज़िंदगी है, यानी कि लोगों के बीच में अपनी जो साख कह सकते हैं वो बनी रहने देना चाहता हूँ। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। अब लेखक कहता है कि मैं अपनी जो फ़ोटो है कभी ऐसे नहीं खिंचवाऊँगा फटे हुए जूते पहनकर, चाहे मेरी कोई जीवनी है ना बिना फ़ोटो के छाप दे, लेकिन फटे हुए जूते में तो नहीं खिंचवाऊँगा मैं अपनी फ़ोटो जो है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? अब देखिए लेखक जो है तस्वीर में प्रेमचंद जी से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम जो ये हंस रही हो, आपकी जो स्थिति है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान है, तो आपकी जो व्यंग्य मुस्कान है मेरे हौसले जो है मेरा जो विश्वास है उसको ढा रही है, तो ऐसा क्या हो सकता है? इसका क्या मतलब है? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? अब जो इनके द्वारा लिखी गई रचना है ना प्रेमचंद जी के द्वारा, तो उसमें से ये वाक्य लिए गए हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब देखिए अलग अलग जो पात्र हैं उनके माध्यम से लेखक कहता है कि किस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया है पात्रों ने, तो क्या आप उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको देखकर हंस रहे हैं? मुझे तो वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह है। मेरी जनता के लेखक, अब मेरी जनता के लेखक यानी कि जनता के आप लेखक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अर्थात जनता की आवाज़ को उठाने वाले हैं, तो हे जनता के लेखक तुम्हारा जूता कैसे फट गया? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? अब इसमें तगादा जो है, अब ये तकाजे के लिए कहा गया है कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए, तकाजे मतलब कि बनिया जो है वो तुमसे रुपए नहीं मांग ले, तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं है, तो क्या इस कारण से तुमने दो तीन मील जो है चक्कर लगाकर घर लौट रही हो जिसके कारण से तुम्हारा जूता फट गया? ये चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि चक्कर लगाने से, अगर आपने चक्कर लगाए ना बाहर से, अब बनिए कि आपने पैसे देने हो और बनिया आपको बार बार टोक रहा हो, तो इसके कारण से आपने अगर मिल दो मिल का ऊपर से चक्कर निकाल लिया घर आने के लिए, तो क्या आपने क्या ऐसा किया? तो लेखक कहता है कि चक्कर लगाने से जूते नहीं फटते हैं बल्कि वो घिस जाते हैं। जैसे कि कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब ये जो कुंभनदास हैं तो जिनके बारे में लेखक ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी जो है आने जाने में इनके जो जूते हैं घिस गए थे, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हिया घिस गई बिस्तर गयो हरनाम। अब कुंभनदास जी ने कहा है कि आवत जात कि सीकरी आते जाते, फतेहपुर सीकर आते जाते जो पन्हिया हैं, पन्हिया देसी जूतियाँ होती ना जो जूतियों को कहा जाता है ये पन्हिया, कि मेरे जो जूते हैं वो घस गई हैं बिस्तर गयो हरनाम, और जो हरिनाम है जो ईश्वर का नाम है वह भी भूल गया हूँ मैं। अब ये कुंभनदास जी कौन थे? तो ये जो कुंभनदास हैं वे भक्ति काल के कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने भी फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कर वो परे सलाम। अब देखिए और लिखा था कि ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए, अब अकबर ने कुंभनदास जी को फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तो वो कहते हैं कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कर वो परे सलाम, कि जिनको देखकर दुख उपजता है तो अब उनको ही सलाम करना पड़ रहा है। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? बार बार लेखक जो है प्रेमचंद जी से सवाल पूछ रहा है कि आपका जो जूता वो कैसे फट गया है, कि चलने से तो जूता घिसता है लेकिन आपका जूता फटा कैसे? अब देखिए किस प्रकार से अनुमान लगा रहा है लेखक। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारती रही हो, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है
उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अब देखिए किस प्रकार से लेखक जो है कल्पना कर रहा है कि कोई चीज़ जो है ऐसी जो सख्त थी, यानी कि जो बाहरी आडंबर हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको आपने जड़ से हिलाने के लिए बार बार जूते की ठोकर मारी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो परत दर परत जो जमी हुई कोई चीज़ थी तो उसको उखाड़ने के लिए आपने ठोकर पे ठोकर मारते रहे हैं, अर्थात उसको झकझोरते रहे हैं, जिसके कारण से आपके जूते फट गए हैं। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब लेखक कहते हैं कि आपके सामने कोई बड़ी विपत्ति आ गई जो सामाजिक जीवन के अंतर्गत, क्योंकि जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कृषक जो है मजदूर वर्ग उनसे संबंधित ही रचनाएं लिखी हैं। तो लेखक कहता है कि हो सकता है कि आपके सामने कोई बड़ी विपत्ति सामने आ गई हो और जिस पर आपने अपना जूता आजमा लिया हो, जिसके कारण से आपका ये जूता फट गया है, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। अब लेखक कहता है कि जो विपत्तियाँ समाज में उपस्थित थी तो आप उनसे बचकर भी तो निकल सकते थे, तो आपने उनको दूर करने का क्यों सोचा, अपना जूता उस पर क्यों मारा? टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। अब देखिए लेखक इसमें कहता है कि टीलों से समझौता भी तो हो सकता था कि आपके सामने कोई विपत्ति अगर आती है, आपके मार्ग में कोई अवरोध पैदा होता है, तो आप उससे समझौता कर सकते थे। अब नदी का इसमें उदाहरण दिया कि नदियाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि सभी पहाड़ों को फोड़ देती हैं, बल्कि वे भी तो घूम कर कोई रास्ता बना लेती हैं और चली जाती हैं, तुम समझौता कर नहीं सके। अब लेखक कहता है कि जो समाज में व्याप्त असमानता थी, असामाजिकता थी, तो उससे तुमने समझौता नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? अब जो होरी का इसमें दिया हुआ है कि वो नियम धर्म के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया, तो कहते हैं कि वही नियम धर्म वाली कमजोरी, नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब देखिए इसमें होरी जो है उसके बारे में बता रहा है कि वह काफ़ी नियमधर्मी था, और बिल्कुल नियमधर्मी मतलब नियमों का पालन करने वाला और धर्म का आचरण करने वाला, धर्म मतलब कर्तव्य के लिए, कि वो नियम और कर्तव्यों का पालन करने वाला था, तो वही नियम और कर्तव्य जो उसके लिए जंजीर थी। लेकिन जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, यानी कि जो नियम और कर्तव्य ना तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन था। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करती हो। अब इसमें लेखक कहता है कि जो तुम्हारी ये पांव की उंगली निकली हुई है ना, वो संकेत करती सी लगती है कि जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करती हो। अब देखिए जो कोई समाज में फैली हुई कुरीति है जिससे तुम घृणा का पात्र समझते हो, तो अपनी हाथ की उंगली से नहीं कहते हो इशारा करते, बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो क्या इसलिए ही आपका जो जूता है वो फट गया है और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है? तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब लेखक कहता है कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको तुमने दूर करते करते अपना जो सारा जीवन है व्यतीत कर दिया, तो क्या अपने इस जूते के माध्यम से तुम उसकी ओर इशारा कर रहे हो जिसके तुमने जूता मार मार कर अर्थात बार बार उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते करते उसको दूर कर दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब देखिए लेखक कहता है कि मैं सब समझता हूँ कि आप किस प्रकार से क्या भाव बताना चाहते हैं, किस प्रकार से बाहरी आडंबर जो हैं, जो सामाजिक वर्ग भेदता है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी उंगली का इशारा भी मैं समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझ रहा हूँ मैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाई और तलवे घिसाए चल रही हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रही हैं। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि तुम उन सभी पर हंस रही हो जो कि समाज में फैली हुई जो असमानता है तो उसका विरोध करने के पक्षधर नहीं हो, बल्कि आप भी उसी के अनुसार चलने वाले हों, केवल बाहरी जो दिखावा है उसी के अनुसार आचरण करने वाले हों। अब लेखक कहता है कि इन सभी के जो तलवे घस चुके हैं, ठीक है ना, और टीले जो हैं यानी कि जो विपत्तियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे बचकर तुम बाजू से निकल रही हो,
तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। अब इसमें लेखक कहता है कि तुम हमसे ये कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अब ठोकर मार मार कर मतलब कि कुरीतियों का डटकर विरोध किया है, जो समाज में व्याप्त विषमता थी उसका डटकर विरोध किया, और चाहे मेरी उंगली बाहर निकल आई हो लेकिन मैंने अपने पाँव को बचा लिया है, अपने पाँव को मतलब अपना जो आधार है जो धरातल है उसको बचा लिया है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रही हो। अब तुम केवल बाहरी दिखावे कारण से अपने जो आंतरिक मूल्य हैं उनको नष्ट कर रही हो, तुम चलोगे कैसे? कि अगर ये आंतरिक जो मूल्य हैं अगर समाप्त हो गए तो तुम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, अर्थात किस प्रकार से समाज में एक नई चेतना जागृत कर सकते हो? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। अब देखिए इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से भी लेखक कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे जो फटे हुए जूते हैं कि उनके माध्यम से तुम किस बात की ओर इशारा कर रही हो, तो मैं आपकी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी जो व्यंग्य मुस्कान है कि किस पे आप हंस रही हैं तो मैं वह भी समझ रहा हूँ, अर्थात समाज में व्याप्त जो असमानता है तो उसमें जो दिखावे की प्रवृत्ति है आप हमेशा ही उससे दूर रही हैं, और केवल जो यथार्थवादिता है आपने केवल उसी का ही अनुसरण किया है, और इसके माध्यम से भी आप जो हैं वास्तविकता जो है यथार्थवादिता जो है जो समाज में जो कठिनाइयाँ हैं आप उनकी ओर इसके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि आज का जो समाज है किस प्रकार से दिखावटीपन की ओर अग्रसर हो रहा है, और जो मूलभूत जो परेशानियां हैं जो विपत्तियां हैं वह उनमें उलझा हुआ है और उनको दूर करने का वह प्रयास नहीं करता। तो ये था हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते के बारे में, किस प्रकार से वो प्रेमचंद जी हमारा उपहास कर रहे हैं, यह प्रसाई जी प्रेमचंद जी की तस्वीर को देखकर भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ये था हमारा अध्याय छठा, हरिशंकर जी प्रसाई द्वारा लिखा गया प्रेमचंद के फटे जूते, तो जिसका आज हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।